नहीं रखना, ये पिन नहीं रखना, नहीं पिन नहीं रखना। सबसे पहले तो मैं 8 सितंबर 2006 में जितने भी शहदा बम ब्लास्ट में शहीद हुए थे उन सभी को खराज अकीदत पेश करता हूँ मालेगांव शहर एसडीपीआई की जानिब से, और उनके तमाम ही अफराद खाना को उनके दुख में हम बराबर के शरीक कल भी थे आज भी, और इंशाल्लाह ये लड़ाई जब तक चल रही है अदलिया में हम तब तक उनके साथ रहेंगे। पहले तो आज मैं समझता हूँ 14 से 15 साल होने को आ गए ब्लास्ट को, आज भी हम इंसाफ के लिए तरस रहे हैं, और जो असल मुजरिम है वो भी कहीं ना कहीं जेल की सलाखों से दूर हैं और सज़ा नहीं मिल रही है उनको। आज हम जो आज सड़कों पे उतरे हैं और एक एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं कब्रिस्तान के सदर दरवाजे के बाहर, हमारे दो डिमांड है इसके अंदर। अव्वल कि यहाँ जो ब्लास्ट हुआ था 2006 में 8 सितंबर को, आज उसकी बरसी है, उनके मुजरिमों को सज़ा मिलने चाहिए, जो असल मुजरिम है वो आज भी जेल में नहीं है, उनको जेलों के सलाखों के पीछे डालो। दूसरा, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के अंदर यशवंत शिंदे नामी शख्स ने, जो आरएसएस और संघ परिवार के साबिक प्रचारक रह चुके हैं, उन्होंने एक हलफनामा दायर किया है अदालत को। उन्होंने खुद कहा है जाके कि मुझे नांदेड़ बम ब्लास्ट के अंदर गवाह बनाया जाए। उन्होंने अपने एफिडेविट के अंदर खुद कहा है कि 2006 में जो वहाँ ब्लास्ट हुआ था एक घर के अंदर, उसके अंदर जो आरोपी थे वो उसके करीबी दोस्त थे, उनसे इनके करीबी मुरासिम थे। और मज़ीद उन्होंने इसके अंदर कहा है एफिडेविट के अंदर कि मुल्क में जहाँ जहाँ भी ब्लास्ट हुए हैं वो संघ परिवार, आरएसएस और बजरंग दल के जिम्मेदारान के ज़रिए किए गए हैं। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने बाकायदा बीजेपी से सुपारी ली थी इनको सियासी फ़ायदा पहुंचाने की। हमारा सवाल है इनसे कि पूरे मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए ब्लास्ट करवाना ये इंसानियत को शर्मसार करने जैसा है और एक इंसानियत का दुश्मन, इंसानियत से दुश्मनी लेने जैसा है। हम कड़े शब्दों में इसकी मजम्मत करते हैं और मांग करते हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो, क्योंकि 2014 के बाद से जब से सेंटर में बीजेपी की सरकार आई है, सेंटर एजेंसियों को या सेंट्रल एजेंसियों के मातहत चलने वाले जितने अदारे हैं इसका गलत इस्तेमाल करके अपना सियासी फ़ायदा लिया जा रहा है। इसलिए हमारी डिमांड है कि ये मामले की पूरी निष्पक्ष जांच, जुडिशियल इंक्वायरी हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए दोषियों को जेल के पीछे डाला जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।